जो है हम उसी हिसाब से देखेंगे। हाँ चलो, दोनों तो वे से समझने की कोशिश करते हैं। सोचो ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, नंबर वन। तो अगर ऐसा वाला दागी मिला, तो देखो कभी डिस्प्लेसमेंट का पूरे दागी का डिस्प्लेसमेंट का एक ही वैल्यू है ना। अगर कोई ऐसा वाला दागी है या ऐसा वाला दागी है या फिर ऐसा वाला दागी है, तो डिस्प्लेसमेंट का अलग अलग वैल्यू हो सकता है, राइट, मिलाने से वाई एक्सिस में या डिस्प्लेसमेंट एक्सिस में। इसमें कहाँ मिलाओगे, एक ही लाइन का, पूरा लाइन का एक ही वैल्यू है। सो डिस्प्लेसमेंट इज वन, सो दैट मीन्स द बॉडी इज नॉट मूविंग, द बॉडी इज एट रेस्ट। इसका मतलब क्या है, द बॉडी इज एट रेस्ट। नहीं तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा मूव करने से, राइट और रॉन्ग। अच्छा, नंबर टू, डिस्प्लेसमेंट टाइम। अगर ऐसा हुआ ठीक है, अगर ऐसा हुआ ठीक है, पूरा ऊपर की तरफ गया, तो इसका तो पता ही है। अच्छा, इस सर इसको स्लोप के हिसाब से समझाइए। स्लोप इसका जीरो होगा, स्लोप उसका जीरो होगा। क्यों बताऊं, स्लोप इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब स्लोप डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, एक ही वैल्यू में अटका हुआ है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह में नहीं जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू जीरो बाय टाइम, यानी स्लोप इज इक्वल्स टू जीरो। स्लोप ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी, स्लोप ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू जीरो, सो वेलोसिटी जीरो मतलब बॉडी इज एट रेस्ट, ऐसे भी समझ सकते हो। इसका क्या है, स्लोप इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम विच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी विच इज इक्वल्स टू यूनिफॉर्म। हमेशा सेम वैल्यू क्यों आएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है ना। अच्छा, तो द बॉडी इज मूविंग एट यूनिफॉर्म मोशन, मूविंग एट यूनिफॉर्म मोशन हो गया, द बॉडी इज मूविंग एट यूनिफॉर्म मोशन। नंबर थ्री, सोचो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा है ठीक है, तो हर एक पॉइंट में स्लोप थोड़ी ना सेम है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है भी नहीं। तो स्लोप इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब सर स्लोप अगर निकालना है तो कैसे निकाले, सोचो इस पॉइंट में आपको स्लोप निकालना है, तो यहाँ पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर दे के इसका परपेंडिकुलर बाई बेस करना पड़ेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। समझ में आया। और अगर इस पॉइंट में निकालना है, तो इस पॉइंट में ऐसे एक लाइन टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा और उसको ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा, ताकि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो। अब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लेकिन हर एक पॉइंट में अलग अलग वैल्यू आएगा, क्योंकि हर एक ट्रायंगल अलग अलग बनेगा, अलग अलग स्लोप आएगा, अलग अलग स्लोप आएगा। स्लोप इज इक्वल्स टू नॉन यूनिफॉर्म, सो दैट मीन्स स्लोप इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इज ऑल्सो इक्वल्स टू नॉन यूनिफॉर्म, अलग अलग स्लोप आ रहा है। सो दिस रिप्रेजेंट्स दिस द बॉडी इज मूविंग एट नॉन यूनिफॉर्म मोशन ठीक है, द बॉडी इज मूविंग एट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया। तो ये तीन ग्राफें याद रखनी होती है। देखो और दो चीज़ें, और दो चीज एक्स्ट्रा चीज़ जो पूछ सकता है, मैं वो बता दे रहा हूँ आपको। सोचो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का ऐसा नीचू की तरफ ग्राफ आया, ऐसा ऐसा नहीं हो के, ऐसा सीधा ऊपर की तरफ नहीं हो के, नीचे की तरफ हुआ। तो ये कुछ भी नहीं है, मैंने हमेशा बताया कि लाइन ऐसे के जगह में अगर ऐसा हो जाए तो इसका स्लोप नेगेटिव हो जाता है, स्लोप इज नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव नेगेटिव वेलोसिटी दिखा रहा है, नेगेटिव वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, नेगेटिव वेलोसिटी दिखा रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि यूनिफॉर्म ही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म ही होगा, लेकिन नेगेटिव है, बस इतना ही इंटरप्रेट करना, अगर हो जाए तो कोई बात नहीं ठीक है। तो आई होप कि ये चारों ग्राफ समझ में आया होगा, आसान है।